वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एक्सेल फॉर बिगिनर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर फॉर्मेट के साथ कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से नंबर फॉर्मेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डॉलर साइन कैसे ऐड किया जाता है, परसेंटेज साइन कैसे ऐड किया जाता है, डेसिमल प्लेसेस कैसे लगाई जाती हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं। अगर आपने अपनी वैल्यूज़ को बिलियंस या मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक सामने टेबल नज़र आ रहा है जिसके अंदर रीजन है, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और टोटल, और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे रेवेन्यू है, सेल्स है, कॉस्ट, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। इसके अलावा दो डेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, एक डेट सिर्फ डेट है और दूसरे में डेट और टाइम है। तो हम इन सब को वन बाई वन जो है वो फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर कॉमा सेपरेटर कैसे लगाना है। अगर आप कॉमा सेपरेटर लगाना चाहते हैं, आप ये डेटा सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे देखें नंबर फॉर्मेट के अंदर कॉमा सेपरेटर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये दो डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर देगा और कॉमा सेपरेटर भी ऐड कर देगा। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले जनरल लिखा हुआ था नंबर फॉर्मेट में और अब यहाँ पर अकाउंटिंग लिखा हुआ है। आप डेसिमल प्लेसेस को इनक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था डेसिमल प्लेसेस ऐड करने का। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से जाएँ, नंबर्स पे क्लिक करें और नंबर फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर दें। लेकिन नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगर आपने इसमें डेसिमल प्लेसेस ऐड करनी है तो वो भी मैं आपको उसका तरीका कार बता देता हूँ। फिर आप करेंसी साइन ऐड कर सकते हैं इसके साथ, इसके अलावा परसेंटेज साइन ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो एरो बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नंबर के सारे फॉर्मेट जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, अगर आप कंट्रोल और वन प्रेस करें तो भी आप नंबर फॉर्मेट तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मेट है जिसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, कोई कॉमा सेपरेटेड नहीं है। उसके बाद नंबर है, नंबर के डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर में आप कॉमा सेपरेटेड यूज़ कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो उसको रेड हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, माइनस साइन के साथ कर सकते हैं, या उसको आप ब्रैकेट में रेड हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चार तरीक़ों से आप नंबर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अच्छा, इस पॉइंट से और नंबर फॉर्मेट में फ़र्क ये है कि अगर आप इसको इस तरह से नंबर फॉर्मेट लगाते हैं यानी काउंटिंग में ले जाते हैं तो फिर ये लेफ़्ट या सेंटर अलाइन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर और या लेफ़्ट अलाइन करें तो आपने नंबर में जाके इस तरह से इसको फॉर्मेट करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ है परसेंटेजेस कैसे ऐड करनी है। डेटा को सिलेक्ट करें, ये परसेंटेज का साइन है, इस पर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाकी के सारा नंबर्स हैं, हम इनको भी नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं और ये नंबर फॉर्मेट में इस तरह से होंगे। अब प्रॉफिट के साथ अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर लेट्स से ये अगर वैल्यू अपड़े तो 832.667 मिलियन है, तो मैं इसको इसी तरह से शो करना चाहता हूं कि यहां पर 832 और उसके बाद दो डेसिमल प्लेसेस और आगे एम या मिलियन लिखा हुआ आ जाए। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल वन करें या इस एरो से आप फॉर्मेट में चले जाएं। अगर आप यहाँ पर देखें ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, इसके लास्ट पे है कस्टम का ऑप्शन। कस्टम में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपके पास ये सैम्पल शो है टॉप पे, जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करते हैं उसका सैम्पल, फिर वो फॉर्मेट आपने किस तरह से राइट करना है, कुछ प्री डिफाइंड है, यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं या आप अपना फॉर्मेट लिख सकते हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने नंबर साइन डालना है, नंबर साइन डालने के बाद आपने एक कॉमा डाला। अगर आप गौर करें तो सैंपल से ये देखिए थ्री वैल्यूज़ जो हैं वो डिसअपियर हो गई हैं, यानी कि हमने इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप एक और कॉमा डालेंगे तो ये मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप
डबल कोटेशन मार्क में मिलियन लिखें। और अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो इसके स्टार्ट में यहाँ पर स्पेस भी ऐड कर दें। अब ये 833 मिलियन जो है इसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी करें, कंट्रोल सी मैंने बताया था कॉपी के लिए, और राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एज इट इज़ नंबर्स हैं, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि आप टेक्स्ट और नंबर को इकट्ठा लिख तो सकते हैं लेकिन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। इस केस में आप इन नंबर्स को मिलियन में शो कर सकते हैं और इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है जो कि इसी के ऊपर बिल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से अच्छा, अब एक चीज़ जो हम मिस कर गए थे क्लिप बोर्ड के अंदर, वो था फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये सब पे इस तरह से पेस्ट करें। तो ये देखें, सब को उसने मिलियन के फॉर्मेट में शो कर दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आ रहा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आ रहा। इट्स मीन्स के यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 1 मिलियन है, जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रही। चलें इसको देखते हैं किस तरह से हैंडल करना है। अब ये हमने अब ये देखिए, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देता हूँ, 0.37 मिलियन। और इसको मैं अगर फॉर्मेट प्रिंटर के साथ यहाँ पे ले आऊँ तो ये उससे भी कम है। तो इसको हम एक और डेसिमल प्लेस दे देते। अच्छा, अब ये जो वैल्यू मोर देन 1000 मिलियन है, इसको हम बिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर फिर कंट्रोल वन करेंगे और ये जो हमने 2 कॉमास लगाए थे इसको एक और इंक्रीज कर देते हैं और उसके साथ डॉट हैश भी है, ताकि हमें अब जहाँ जहाँ पे बिलियंस में आ रहा है उसको आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर लें। अच्छा, ये तो था कि आपने मिलियंस में या बिलियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, नंबर में कॉमा सेपरेटर कैसे लगाना है, उसके अलावा परसेंटेज साइन कैसे लगाना है। अब ये आपके पास डेट है, डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जैसे अगर मैं दोबारा इस नंबर फॉर्मेटिंग में जाऊं और डेट में जाऊं तो ये देखें, डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ये हर तरह से आप सिर्फ डेट एंड डे ले सकते हैं, आप डे उसके बाद मंथ, उसके बाद फिर डे को नंबर्स में, और फिर ईयर इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी फॉर्मेट आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें और इसको जनरल में कन्वर्ट करें तो ये एक सिंपली नंबर है, ये सिंपल एक नंबर है। और अगर आप यहाँ पे लिखें 0 और इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशन स्टार्ट करता है 1 की, वो यहाँ से करता है, यकम जनवरी 1900 से। और अगर ये जो नंबर है ये इस वैल्यू के अंदर इतना प्लस करके ये नंबर आया है, तो इतने दिन गुजर गए हैं इस डेट को गुजरे हुए। अच्छा, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं, कंट्रोल वन करें, आप यहाँ से सारे के सारे फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप ये प्री डिफाइंड हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ डे चाहिए, जैसे एक केस में हमारे पास यहाँ पर आ रहा था वेंसडे मार्च 14, 2012, तो मुझे ये सिर्फ फर्स्ट जो डे है ये चाहिए, मैं कस्टम में जाऊंगा, यहाँ पे जाके अगर मैं वन टाइम डी लिखूंगा तो आप देखें ऊपर डेट लिखी हुई आ गई है, सेकंड टाइम किया तो डेट के साथ 0 लग गया, जब थर्ड टाइम किया तो THU आ गया, थर्सडे का शॉर्ट आ गया, और फोर्थ टाइम डी करूंगा तो थर्सडे पूरा आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप फार्मूला बार के अंदर देखें तो यहाँ पर डेट ही लिखी हुई है लेकिन डिस्प्ले हमें कर रहा है ये दिन। इसी तरह से अगर मुझे इसका मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, दो दफ़ा एम लिखूँगा 0 डल गया। ये सैम्पल के ऊपर आपने फोकस रखना है, 3 टाइम लिखा तो शॉर्ट मंथ नेम और 4 टाइम लिखा तो पूरा मंथ नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम जो है वो मंथ डे ईयर फिर आवर्स और मिनट्स में शो हो रहा है। तो इसमें से मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ
EHI, लिखी हुई डेट और टाइम पूरा ही है, लेकिन जो मुझे डिस्प्ले करवा रहा है वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म करवा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है एक्सेल का, जो कि नंबर्स को डिफरेंट तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने डेटा के अंदर। मेरी सजेशन ये है कि इसको वन बाय वन तमाम फीचर्स को आप स्टडी करें, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिर्फ मैंने आपको बोल के कुछ बताया है या ओवरव्यू दिया है, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि विद इन 10 to 12 hours जो है मैं आपको इसके ऊपर रिप्लाई कर दूँ। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।